आकाश के ऊपरी वातावरण में हलचल हवाई यात्रियों और जानकारों के लिए भारी चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं की तादाद बढ़ रही है। शक है कि ये घटनाएं जलवायु परिवर्तन का असर हैं। रविवार को दोहा से डबलिन जा रहे कतर एयरवेज के विमान को ऐसे ही हलचल का सामना करना पड़ा, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। 24 मई को लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस को गंभीर हलचल का सामना करना पड़ा। इससे एक यात्री की मौत हो गई और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकार हलचल की घटनाओं का रिश्ता बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर को बता रहे हैं। उनका कहना है कि गर्म हवा से वायुमंडल में ज्यादा हलचल होती है। Due to the climate change and global warming, we are experiencing more frequent air turbulence and intensity of severe turbulence is also on rise. Because air temperature is rising, then we think that in future, we can say 5 to 6 years down the line, there may be 20 to 30% increase in clear air turbulence, which is very, we can say, dangerous because it is not detected by naked eye and radars. The Doppler radars are also not able to detect it. So we can say we have to find the ways to detect it and counter it. साफ हवा में हलचल बिना बादलों के होती है। ये घटना अचानक होती है। इस खतरे को पहचानने और इससे निपटने के लिए उन्नत तरीकों की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ रहा है। विमानन उद्योग को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। 2 years back, there was a SpiceJet aircraft which encountered turbulence and one person died. So that was an accident. When again due to a faulty weather radar, the pilots could not detect the weather. So they flew inside the thunderstorm and the whole aircraft was wrecked. So similarly here, thunderstorms are there around the world. So it is upon the crew and the training and the upkeep of the aircraft to the modern fittings. Which can prevent such accidents. जानकारों का अनुमान है कि जलवायु में बदलाव के साथ आकाश में हलचल की घटनाएं और बढ़ेंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए नए शोध और उन्नत सुरक्षा उपायों की इतनी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। विमानन समुदाय को इन चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि आसमान में चालक दल और यात्री सुरक्षित रहें।